अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और जी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मज़ेदार किस्म का मीठा जिसका नाम है लौकी की बर्फ़ी। वैसे तो आप लोग बनाते होंगे अपने घरों में सूजी की बर्फ़ी और डिफरेंट टाइप्स की आप लोग बनाते हैं बर्फ़ी, लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी लेके आई हूँ और ये बहुत मज़े की बनती है। ना इसमें कोई मावे का इस्तेमाल है, ना खोया, कुछ भी नहीं इसमें डलता। बस जस्ट इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं बनाने में और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हों तो आप इसको इजीली झटपट बना सकते हैं और इंशाल्लाह आपको और आपकी फ़ैमिली को, आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लौकी जो है मैंने एक ले ली थी, इसका जो वेट था तकरीबन 100 ग्राम के करीब था और उसको मैं पील ऑफ कर रही हूँ पीलर से। और पील करने के बाद मैंने उसको दरमियान से कट लगा दिया है और कट लगाने के बाद अब दरमियान में मैं एक चम्मच की मदद से जो है मैं इसके सारे जितने भी बीज हैं वो लौकी के मैं निकाल रही हूँ। अब आप हाथ की मदद से या तो हाथ वाला जो कद्दूकश है उसमें कर ले या मशीन में आप इसको कद्दूकश कर ले लौकी को। ये देखिए लौकी जो है वो कद्दूकश हो गई है और कद्दूकश करने के बाद मैं हाथों से दबा दबा के इसका जो पानी है वो निकाल रही हूँ ताकि सारा जो पानी है वो निकल जाए। और ये लौकी को जो है अब मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ और स्क्वीज़ करने के बाद मैंने पैन में जो है 2 खाने के चम्मच घी के डाले हैं और साथ में 3 से 4 अदद इलायची जो है कूट के डाल दी है और उसको कुछ सेकंड्स के लिए हमने सॉटे करना है ताकि इलायची की खुशबू अच्छी सी आ जाए। अब जो हमारे पास ग्रेटेड लौकी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है और साथ में मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच सूजी और थोड़ा सा इसको भूनेंगे कि ताकि सूजी की अच्छी सी थोड़ी सी खुशबू आए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं देखिए थोड़ा सा इसको भून लिया है और भूनने के बाद मैं इसमें 1 कप जो है दूध डाल रही हूँ और बहुत ही लो फ्लेम पे इसको कवर करके मैंने 5 मिनट के लिए कुक करना है कि मिल्क जो है, दूध जो है वो ड्राई हो जाए और लौकी जो है वो गल जाए। अब 5 मिनट के बाद देखें दूध जो है वो खुश्क हो चुका है, सूजी भी गल गई, लौकी भी गल गई है हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी सी। अब देखें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क 1/2 कप आप चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन उससे अच्छा बहुत टेस्ट आता है। और डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ मैं 1/2 कप और मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप आलमंड्स 3 से 4 खाने के चम्मच और पिस्ते कटे हुए डाल रही हूँ 2 से 3 खाने के चम्मच और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से इसको स्पैचुला से या किसी भी वुडन स्पून से जिसमें भी आप बना रहे हो उसको अच्छे से मिक्स कर ले। अब एंड में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर 2 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच और दोबारा से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ उसको। और देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है, ये सिर्फ और सिर्फ कंडेंस मिल्क की वजह से इतना अच्छा कलर आया है। अब लास्ट में ये आपकी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना मत डालें, लेकिन मैंने फ्यू ड्रॉप्स ग्रीन कलर डाले हैं। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता ग्रीन कलर लौकी में, तो इस वजह से मैंने इसको वैसे ही रहने दिया कि बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर ना आ जाए, इसलिए फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए। अब कोई भी आपके पास जो पैन है, स्क्वायर राउंड जैसा भी आपके पास कोई पैन है आप ले लें, उसको ग्रीस कर लें ऑयल या बटर के साथ और सारा जो लौकी वाला मिक्सचर है वो मैं इसके अंदर डाल के चम्मच की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ और उसको सेट करने के लिए रख दूँगी और दबा दबा के उसको आपने इक्वल जो है स्प्रेड करना है कि चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कटे पिस्ते बादाम और इसको हम रख देंगे सेट होने के लिए फ्रिज में। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आप इसको फ्रिज में रख दें। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया लौकी का और इसको मैंने दोबारा से अच्छे से पिस्ते बादाम को भी प्रेस कर दिया है। अब देखिए 1 से 1.5 घंटे के बाद हमारी बर्फ़ी जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है और मैं इसके जो है पीसेस कर रही हूँ।
आपकी मर्जी है, आप जैसे भी इसके पीसेस कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आइडिया दे रही हूँ, अगर आपने किसी पार्टी या गेस्ट के लिए बनाना है तो इसी बर्फ़ी को जैसे अब मैंने इस तरह काटा है, तो आप, आपके पास अगर लाइक राउंड कटर्स हैं, फ्लावर्स वाले कटर हैं, तो आप उससे भी इसको कट देकर, इसकी शेप देकर निकालें, तो उससे और भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और ये देखें, हमारी बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार किस्म की झटपट मिनटों में तैयार हो जाने वाली लौकी की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है, और बहुत ही आसान है। और ये इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि आपको घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे नहीं हैं, और सबके घर में मौजूद होते हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन के साथ, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। तो मुझे अपनी जो आज की रेसिपी है मेरी, उसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।